हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका मेरे चैनल पर पहाड़ी ब्लॉग, और मैं आपका दोस्त उत्तराखंड से रघु राणा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि मुफ्त में मुर्गियों के लिए दाना कैसे बनाएं, और क्या क्या हम ऐड करते हैं वो दिखाता हूं मैं आपको। तो बने रहें वीडियो में, और अगर आप देसी मुर्गी पालन का जज्बा रखते हैं और आप करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। और तो फ्रेंड्स, आप ज़्यादा समय ना बिताते हुए वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड, मेरे फूलगोभी के पत्ते ले रहा हूँ, और गोभी के पत्ते में पोषक तत्व तो पाए जाते हैं फ्रेंड्स, और विटामिन भी पाया जाता है। फ्रेंड, गोभी के पत्तों में विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6 और विटामिन सी, विटामिन ई, आयरन, पौष्टिक और आयोडीन की भी इसमें मात्रा पाई जाती है पत्ता गोभी में। तो फ्रेंड्स, ये पत्ता गोभी आपकी मुर्गियों के लिए काफ़ी बढ़िया है, और इसमें जो है विटामिन पोषक तत्व तो पूरे पाए जाते हैं। तो मैंने ये पत्ता गोभी अपने वहाँ से फ्रेंड्स, ये देख बगान से सकते हैं तोड़ मैंने लिया। पत्ता फ्रेंड, देख गोभी सकते हैं, तोड़ ली। और ये और ये जो मूली के पत्ते जो हल्का आप सा अभी मूली देख के रहे हैं पत्ते भी फ्रेंड्स, मैंने इसमें इसमें से से भी ले आप लिया। दस फ्रेंड्स, फुल का पत्ते ले इसमें सकते भी हैं अपनी मुर्गियों के लिए। और इससे क्या प्रोटीन होगा, काफ़ी आपका भरपूर मात्रा में फूड का पाया कॉस्ट जो जाता है है फ्रेंड्स। वो और बहुत तो कम हो ये जाएगा। मैंने वैसे पत्ता भी ये गोभी जो पत्ते जो नीचे लग है, रहे जो थे नीचे मेरे आपके उसमें, फालतू लगे हुए ये हैं सारे पत्ते इन गोभी पत्तों मैंने ने जो एक्स्ट्रा वेस्टेज ही है जाना वो है। यहाँ से तोड़ लिया। फ्रेंड्स, और इससे इसमें अच्छा तो आप पत्ता गोभी इन में से मैंने आपको मुर्गियों बताया का जो कि है चारा बना विटामिन सकते हैं, पोषक और उससे तत्व आपका जो जो है है वो फीस्ट भरपूर का मात्रा में पाए जो जाते फीड हैं, है जो उसका आपकी कॉस्ट मुर्गियों भी को बहुत एक कम हो जाएगा। अच्छा तो अभी भरपूर देखते पौष्टिक हैं, बनाते भोजन हैं दिलाने और में आपको दिखाते हैं बहुत ही मुर्गियां कैसे अच्छा इसको योगदान कितने रहता चाव है, से और खाती हैं। इनका जो ये है है मेरा फ्रेंड्स, ग्रीन इनको हाउस, खाकर इसके आपकी अंदर मैंने मुर्गियां जो सब्जियां है उगाता हूँ वो काफ़ी हेल्दी भी फूलगोभी रहती वगैरह हैं। मुर्गियों के लिए। तो मैंने अपने यहाँ से और पत्ता गोभी तोड़ लिया फ्रेंड्स। आगे मैं आपको और बताऊँगा कि अभी इसमें के क्या क्या ऐड ब्लॉग करता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ से मैं अभी देख सकते हैं राई के पत्ते हो गए और पालक के पत्ते भी यहाँ से लूँगा। तो फ्रेंड्स, पालक के पत्तों में भी पौष्टिक तत्व तो काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। इसमें फ्रेंड विटामिन बी पाया जाता है, विटामिन ए हो गया, सी हो गया, विटामिन K1 हो गया, विटामिन B6 हो गया, विटामिन B9 हो गया, प्रोटीन हो गया, पोटेशियम हो गया और विटामिन सी हो गया, और कैल्शियम जो है पालक में पाया जाता है फ्रेंड्स। तो ये सारे पत्ते आपको ले लेने हैं फ्रेंड्स। उसके बाद इनको अच्छे से धो लेना है, जो ये पत्ते लिए हैं पत्ता गोभी के हो गए, पालक हो गया और राई के पत्ते हो गए। फ्रेंड्स, इन सबको ले लेना है, और राई के पत्ते में भी फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी पोषक तत्व तो पाए जाते हैं, माइरोसिन, सिनिग्रेट और एंटी बैक्टीरिया के गुण जो होते हैं, जो एंटी बैक्टीरिया बनते हैं वो भी इसमें से पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इन तीनों चीज़ों को अच्छे से बारीक से काट देना है, जिसमें कि आपकी मुर्गियाँ अच्छे से इसको खा लें। तो मैंने अभी ये सारे तीनों चीज़ें मिलाकर और इनको अच्छे से इनकी बारीक कटिंग कर ली है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है कि इन सभी पत्तों को अच्छे से धो लेना है। वैसे तो फ्रेंड्स, मेरे इन पत्तों को धोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो है प्योर ऑर्गेनिक सब्जी उत्पादन करता हूँ। तो अगर आप मार्केट से पत्ता गोभी लाते हैं और पालक राई वगैरह अगर मार्केट से लाते हैं तो आप उनको अच्छे से धो लें, क्योंकि उसमें जो है काफ़ी सारे बैक्टीरिया कीटाणु वगैरह जो हैं आपकी मुर्गियों को जो है बीमारी फैला सकते हैं। तो अगर आप मार्केट से पत्ता गोभी और ये पालक और राई वगैरह पत्ते अगर लाते हैं तो उनको आपको अच्छे से धो लेना है। और हालांकि मैंने भी ये धोए हैं, मगर फिर भी मैं प्योर ऑर्गेनिक सब्ज़ी का उत्पादन करता हूँ और मैं इसमें कोई कीटनाशक दवाई वगैरह भी नहीं यूज की है। तो हालांकि इसको धोने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर आप मार्केट से लाते हैं तो आपको उसको अवश्य धोना चाहिए, क्योंकि उसमें कीटनाशक दवाइयों का उपयोग किया जाता है और वो आपकी मुर्गियों को हानि पहुंचा सकता है।
तो फ्रेंड्स मैंने अभी इस दाने को अच्छे से जो ये था इसको बारीक काट लिया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं अपने बाड़े में दिखाता हूँ आपको कि हमारी मेरी मुर्गियाँ जो हैं कितने चाह से इस दाने को, इस जो मैंने ये फ्री मुफ्त में जो दाना बनाने की विधि बताई थी आपको, इसको देखते हैं कैसे मुर्गियाँ मेरी कितने चाह से खाते हैं। मैं आपको लाइव दिखाऊँगा और इससे हमारा जो दाने का खर्चा है वो काफ़ी कम हो सकता है और जो मुर्गियों में फीड लगता है वो फीड का कॉस्ट भी काफ़ी कम हो सकता है। और मैं इसी तरह से फीड का कॉस्ट कम करता हूँ। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको अपने बाड़े से मुर्गियों को जो है बाहर निकाल कर दिखाता हूँ, तो कि देखते हैं कितने अच्छे से बिनती हैं। और मेरे इसमें दो बैच है, एक बड़ा बैच है और एक छोटा बैच, दोनों बैच एक साथ हैं। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं मैंने ये बाहर खोल दिए हैं और जो मैंने ये पत्ते बारीक सा काट के इनको इनके लिए जो दाना वगैरह बनाया था, चारा बनाया था, इसको देख सकते हैं अभी थोड़ी देर में ये सारा का सारा पूरा सपाचट कर देंगे और ये काफ़ी हेल्दी भी होता है इनके लिए। और मैंने पानी के ड्रिंकर में हमेशा साफ़ करके धोता हूँ और उनमें रोज़ साफ पानी भरता हूँ। जो पुरानी जो पानी के ड्रिंकर कल के होते हैं उनको मैं अच्छी तरह से साफ क्लीन करके उसके बाद ही नया पानी भरता हूँ। तो फ्रेंड देख सकते हैं ये मैंने जो आपके सामने जो चारा बनाया था उसको कितने चाव से मुर्गियाँ खा रही है। इसमें दो बैच हैं फ्रेंड, एक बैच अंडे देने पर आ गई है और एक बैच अभी छोटा है, वो अंडे देने पर नहीं आया है। ये वाला जो छोटी मुर्गियाँ दिख रही है ये बैच अभी अंडे देने पर नहीं आया है। तो फ्रेंड्स ये था फ्री में मुफ्त में दाना बनाने की विधि। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें और वीडियो को शेयर करें फ्रेंड्स, ताकि अधिक से अधिक लोगों को मुफ्त में दाना बनाने वाली विधि